अली गोनी ने दे दी है बड़ी गुड न्यूज़। जैस्मिन के साथ उनका नया गाना सिर्फ 9 दिन में होगा रिलीज। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। यहाँ पर अली गोनी ने एक पिक्चर शेयर की है जिसमें वो जैस्मिन भसीन के साथ नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ जो है उन्होंने बता दिया है कि उनका अगला गाना जो कि विशाल मिश्रा का गाना होने वाला है वो जल्द ही रिलीज होगा, और 9 दिन के अंदर रिलीज होगा। पहले तो उन्होंने #coming soon लिखा, फिर #9 days लिखा। अब उन्होंने कोई डेट तो रिवील नहीं की है कि कौन सी डेट पर रिवील होने वाला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने #9 days लिखा है, हमको समझ तो आ गया है कि 9 दिनों के अंतराल में ये गाना जो है रिलीज हो ही जाएगा, क्योंकि इतना एंटिसिपेटेड गाना है। फैंस को अगर वो खबर दे रहे हैं कमिंग सून और #9 days लिख रहे हैं, तो कुछ तो उसका रेलेवेंस होगा ना। 9 days में रिलीज हो जाएगा अली गोनी और जैस्मिन भसीन का गाना, और इस चीज की वजह से फैंस में है बहुत सारी एक्साइटमेंट। बता दे अली गोनी और जैस्मिन भसीन का ये दूसरा म्यूजिक वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो है 13 सूट में नजर आ चुके हैं, जिसके 92 मिलियन+ व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। इतने सारे व्यूज, मुझे तो लग रहा है जब तक ये गाना रिलीज होगा 100 मिलियन व्यूज भी उसके हो जाएंगे। एंड जैसली अपने नए गाने के साथ साथ उस माइलस्टोन को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो अली गोनी ने अंदाजा दे दिया है कि कब ये गाना रिलीज होने वाला है। राजस्थान जयपुर में हुई थी इस गाने की शूटिंग, जहां पर अली और जैस्मिन पहुंचे थे, और फिर बाद में अली ने इस गाने को सुनकर जो है बहुत सारी तारीफ भी की थी विशाल मिश्रा की, कि किस तरीके से उन्हें 100% गारंटी है कि ये गाना सुपर डुपर हिट होगा। विशाल मिश्रा ने जिस तरीके से इस गाने को गाया है, इट इज गोना किल ऑल द रिकॉर्ड्स। वहीं जैस्मिन भसीन का गाना पानी दी गल भी लगातार जो है बहुत सारे व्यूज गाना करता जा रहा है, 50 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो ही चुके हैं, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भाई जैस्मिन भसीन के लिए तो बहुत सारे सेलिब्रेशन के मौके हैं, वहीं अली गोनी को भी मिलेगा एक और नया सेलिब्रेशन का मौका। ऐसे में क्या कहना चाहते हैं इस जोड़ी के नए गाने के बारे में जो जल्दी ही आएगा हम सभी के पास, लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे।